गोरखपुर में कोरोना संक्रमण से वर्तमान में बचाव के साथ ही तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड और बड़हलगंज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के कोविड अस्पताल को शुरू करने का काम आखिरी चरण में है। सब कुछ ठीक रहा तो 26 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों कोविड अस्पतालों का शुभारंभ कर सकते हैं। इसे लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान शनिवार को जिला चिकित्सालय पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही जिला चिकित्सालय में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। डीएम के विजेंद्र पांड्यान, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे से तैयारियों के संबंध में चर्चा करने के साथ वेंटिलेटर युक्त बेड अपडेट करने को कहा और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अलावा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी जा सकते हैं। हालांकि प्रशासनिक महकमा अभी मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अफसरों का सिर्फ यही कहना है कि 26 मई से दोनों कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने कहा, वहाँ से होगा, हम यहाँ से भेज देंगे। अपना एक चिट्ठी भेज दीजिए, मैं इसी सर से बात करते हैं। हाँ इंजन भी तो वहाँ यार थोड़ा खराब।
अंदर का पाइपलाइन तो है आपके पास, तो इंडियन ऑयल का 960 दोनों मिला के तो आपका 1000 का तो दो सब्सक्रिप्शन मिल गया। अभी भी कितने मरीज है सर? आज के समय में 24 मरीज टोटल है, जिसमें 3 जो है हम केस हैं और 21 जो है चलता है। कितने बेड है? 17 वेंटिलेटर हो गया इस समय में। कितने लोग हैं? 8 मरीज हो गया है। 8 मरीज ही चाहिए थी। 8 3 नहीं है, 3 नहीं है, 5 ये लेकिन टिपिकली यही है। इसमें नॉन कोविड वाले यहाँ आएंगे, नॉन कोविड वाले बाकी जगह हम कोविड करा रखे हैं। आज भी 21 मरीज पड़े हुए आ रहे हैं क्या केस? 21 मरीज गोरखपुर में 26 तारीख को हम लोग और 3-4 कोविड फैसिलिटी प्रारंभ करने वाले हैं। यहाँ गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड का क्षमता के साथ L2 फैसिलिटी चालू होगा। बड़ैलगंज में भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसी दिन 100 बेड के हिसाब से प्रारंभ हो जाएगी। और हमारा CSC चोरी चोरा उसको भी प्लांट लग रही है, वो भी प्रयास कर रहे हैं 26 तारीख को वो भी प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे करके जून 15 तक हम लोग बेड बढ़ाएंगे, ताकि अगले वेव हो सकता है तो आए ना आए, बट जो कोई बेड का ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा, उसी के व्यवस्था में लगे हुए हैं। और उम्मीद है 26 तारीख को और अच्छा खासा फैसिलिटी जनता को मिलेगी।